हम निलंगा एग्रो वन लिटल चैंप बुलेट ट्रैक्टर निलंगा में हमने 4-5 साल पहले 10.5 HP का डीजल इंजन डाल के एक बुलेट मॉडल में 10.5 HP का ट्रैक्टर बनाया था। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं कि उनको वो भी खरीदने के लिए बहुत सारी दिक्कत आ रही है, जो ताकि पैसे का प्रॉब्लम है, जो एकड़ 2 एकड़ वाले हैं उनसे उतना भी पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा। उसके लिए हमने एक 5 HP का उसमें बुलेट मॉडल में एक 5 HP का छोटा सा ट्रैक्टर बनाया है, जो कि 5 HP का डीजल इंजन डाला है उसमें, और उसमें रिवर्स गियर बाकी सभी ट्रैक्टर के सिस्टम में उसको बनाया है 3 चाक में। ये ट्रैक्टर जैसा कि जो कोलपनी दुंडे जिसको खरपतवार जो वेस्टेज घास है पिक के अंदर का वो हटाने के लिए एक नंबर काम करता है। ये इतने कम जगह में टर्न होता है कि वो टायर जगह पे रह के इतने ही जगह में ये टर्न हो जाता है, और इसमें इतना बढ़िया सिस्टम है, एयर हैंडल एकदम फ्री है इसका, यानी कि चलाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। ये 2 लीवर दिए हैं हमने, जो कि एक लीवर दबाने के बाद रिवर्स चलता है और ये लीवर दबाने के बाद आगे फॉरवर्ड चलता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक दिया है, जो कि ब्रेक लगाने के बाद एकदम अर्जेंट ब्रेक है, जगह पे रुक जाता है। ये इधर दोनों साइड में ऐसा एक बेल्ट सिस्टम बना के पीछे साइड में डिप्रेशन दिया हुआ है, जो कि एकदम जगह पे टर्न हो जाता है, खरपतवार हटाते स्टेम में पीक पे थोड़ा भी नहीं जाता है, और इसका वज़न इतना कम है, ये 200 से 225 किलो वज़न है, इसलिए पिक को या ज़मीन दबने में कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसका टायर साइज़ ये 19 का टायर है, जो कि हमारे बुलेट गाड़ी में आता है वो 19 का टायर है, लेकिन इसमें ट्रैक्टर बटन में है ये टायर। ट्रैक्टर बटन में रहने की वजह से टायर नरम मिट्टी में भी चला तो टायर स्लिप नहीं होता है। उसके बाद ये पीछे साइड में इसको इम्प्लीमेंट बनाया है, जो कि पाली तिरी मोगड़ा 6 फन का मोगड़ा हमने इस पर अभी चला के दिखाया है। उसके बाद 3 फन वाला जो तिरी आता है 3 फन वाला, वो 3 फन वाला प्लाउ चला के दिखाया है। उसके बाद जो राप फांस आता है 2.5 फीट का फांस है, वो फांस चला के दिखाया है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम भी है, मैनुअल हाइड्रोलिक है, जो कि पैर से वर्किंग होता है, वहाँ पे ऊपर बैठ के आसानी से आदमी पैर से दबाए, तो ये वाला जो है ना ये हाइड्रोलिक सिस्टम है ये।